बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ अहम बातें डिस्कस करते हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्कूल खुलने की। आपके पास एक आपने न्यूज़पेपर देखा, इसमें वो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ थी, उस पर ये लिखा गया था कि स्कूल 1 जून से खुलेंगे और इसका असूली फ़ैसला कर लिया गया है। और साथ में ये लिखा गया था कि जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो भी जून में लेने का फ़ैसला किया गया है। तो इस पर एक दोस्त ने ये कहा कि ये बिल्कुल फेक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि वो फेक नहीं थी। जो पंजाब की सूबाई कमीना थी उसका एक इजलास हुआ था जिसमें ये तजवीज़ दी गई थी, जिसमें जो ज़्यादातर अरकान थे वो इससे मुत्तफिक थे, एग्री थे, और जो कुछ अरकान थे वो इससे एग्री नहीं थे। तो जो ये फ़ैसला किया गया था, असूली फ़ैसला, ये इसी बुनियाद पर किया गया था कि ज़्यादातर जो अरकान हैं वो मुत्तफिक हैं, वो एग्री हैं कि जून में इम्तिहानात भी लिए जाएं और 1 जून से स्कूल भी को खोल दिए जाएं। तो इस पर हुआ यूं कि जो वफाकी वज़ीर तालीम हैं उनकी ज़ेर सदारत आज एक इजलास हुआ जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान और साथ में सिंध के जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं इनकी तरफ से ये कहा गया कि स्कूल भी नहीं खोलने चाहिए और पेपर भी नहीं लेने चाहिए क्योंकि अभी तक हालात ठीक नहीं हैं। तो कोरोना की इस हालत में जबकि केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ज़्यादातर सूबों ने यही कहा है कि ये हमें स्कूल वगैरह नहीं खोलने चाहिए, तो इस पर फ़ैसला यही होगा कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, अभी ऐलान नहीं होगा और पेपरों का भी ऐलान नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कोरोना अगर कम हो जाता है, जैसा कि चांसेस हैं इंशाल्लाह, ये अगर मई के एंड तक ये कोरोना में खातर खा कमी आ जाती है तो फिर ये फ़ैसला चेंज भी हो सकता है। और ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो भी यही हैं कि ये फ़ैसला कर लिया जाएगा कि जून में पेपर भी होने के काफ़ी चांसेस हैं और स्कूल भी हो सकता है कि खोल दिए जाएं। तो ये कोई कंफर्म फ़ैसला नहीं हुआ है और ना ही अभी तक कंफर्म फ़ैसला किया जा सकता है क्योंकि अभी तक कोरोना की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अगर कोरोना में कमी आती है तो फिर स्कूल भी खुलेंगे जून में और जून में पेपर भी मैट्रिक के और इंटर के होंगे। और अगर हम बात करें बीए बीएससी के पेपरों की तो महकमा तालीम ने यूनिवर्सिटियों को यही इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप पेपरों की तैयारी करें, जून में पेपर लेने की तैयारी की जा रही है यूनिवर्सिटियों की जानब से। तो पेपरों जून में होने का चांसेस है लेकिन ये सब कोरोना के साथ मशरूत है। अगर कोरोना में कमी आती है तो फिर पेपर भी होंगे, बीए बीएससी के भी होंगे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के भी होंगे और स्कूल भी खोले जाएंगे, लेकिन ये सब कोरोना के साथ मशरूत है। दोस्तों इस पर बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन थी, वो फेक नहीं थी, वो न्यूज़ भी रियल थी, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर अरकान चूँकि इस पर एग्री थे तो वो एक उसको आप तजवीज़ कह सकते हैं, लेकिन ये कोई ना तो फ़ैसला था और वो एक सिर्फ असूली फ़ैसला इसी बुनियाद पर होता है कि ज़्यादातर अरकान उस पर एग्री हो जाएँ। तो ज़्यादातर अरकान चूँकि एग्री थे तो वो असूली फ़ैसला हुआ था और ना ही ये बिल्कुल रिजेक्ट समझा जाएगा, ये अभी तक बिल्कुल इसको रिजेक्ट भी नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि अभी तक कोरोना की सूरत हाल का हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगी। दोस्तों ये थी अपडेट, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।